Hey guys, welcome to vBronze. My name is Ravi और आज का टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की कि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब का नाम है वो काम करता है मेन वर्ब को हेल्प करने का, बट वो किस चीज में मेन वर्ब की हेल्प करता है ये हमें समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारा काम है, अब मुझे एक टाइम पे एक ही समय पे वो सारा काम करना पड़े तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैं किसी से हेल्प लूंगा। ऐसे ही जब मेन वर्ब के पास बहुत सारा काम हो जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से हेल्प लेता है और हेल्पिंग वर्ब की मदद करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये जानना कि जो मेन वर्ब है वो क्या क्या काम करता है। तो मेन वर्ब टोटल थ्री काम करता है, तीन काम करता है वो। सबसे पहला वो ये बताता है कि ये काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, इसका मतलब टाइम बताता है वो काम का, एक। दूसरा वो ये देखता है कि अगर नाउन सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहे, ये चीज देखता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि प्लेस बैडमिंटन, तो रवि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्ले में वर्ब में हमने एस जोड़ दिया, एस मतलब सिंगुलर, तो वो वर्ब भी सिंगुलर बन जाती है, सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है। अब जैसे वी प्ले बैडमिंटन, हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो वी आपका प्लूरल हो गया और उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब आया है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये भी ध्यान देता है मेन वर्ब, दो काम करता है मेन वर्ब, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम हुआ मेन वर्ब ये बताता है कि ये जो काम हुआ है ये कंटिन्यूअस हुआ है, कंटिन्यूटी में है या नहीं है, या फिर ये परफेक्शन है या नहीं है, मतलब परफेक्टली हो चुका है डन या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ब की चार फॉर्म होती है, राइट, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर। वी वन क्या होती है, आपकी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, ये आपकी वर्ब की बेस फॉर्म होती है। वी टू क्या होती है, वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। वी थ्री क्या होती है, यही होती है आपकी वर्ब की परफेक्ट फॉर्म, इसको वर्ब की परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली परफेक्ट टेंस में यूज होती है, और इसका मतलब होता है कि मतलब काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं काम पूरा कर चुका हूँ, तो ये बताता है। और वी फोर होती है आपकी वी वन प्लस आई एन जी, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में पहले भी अपने पुराने लेक्चर में। तो ये हो गई आपकी वी फोर, मतलब कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस को शो करता है। तो वी थ्री परफेक्ट को, परफेक्ट को शो करता है, और वी फोर आपकी कंटिन्यूस को शो करता है। तो वर्ब का जो तीसरा काम होता है परफेक्शन शो करना और कंटिन्यूटी शो करना, ठीक है। तो वर्ब के तीन काम हो गए, क्या काम हुआ, पहला काम हुआ ये टाइम बताना, टाइम मतलब कि ये काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, इसी को हम बोल सकते हैं टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, राइट। दूसरा क्या काम है, दूसरा वर्ब का ये काम है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है वी थ्री वी फोर, मतलब परफेक्शन, ये बताता है कि परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, और वी फोर यानी कंटिन्यूटी में है या नहीं है, तो वी थ्री एंड वी फोर यानी कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीन काम करता है वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो अब मेन वर्ब ने हेल्पिंग वर्ब से कहा कि भाई जब मेरे पास सारा का सारा काम आ जाए, बहुत सारा काम आ जाए मेरे पास, जब तीनों के तीनों काम आ जाए, तो तू ऐसा करना, शुरू के जो तू है ना दो, ये शुरू के दो ये तू कर लेना, ठीक है। तो ये शुरू के जो दो काम है ना, टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, ये आपका कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब, ये काम आप हेल्पिंग वर्ब करता है। अब देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सिक्स सेंटेंसेस है, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री, इसमें से हेल्पिंग वर्ब देखो कौन कौन से है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, देखो ये सिंगुलर है, पहला काम क्या है हेल्पिंग वर्ब का, टाइम टेंस बताना कि प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, देखो इज शो करता है कि प्रेजेंट में हुआ है, और ये भी शो करता है प्रेजेंट में। वर्ब क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब, यू आर प्लेइंग, देखो शी इज प्लेइंग, वो अभी खेल रही है, यू वर प्लेइंग, वो खेल रहा था, तो ये टेंस बता रहा है टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, प्रेजेंट बता रहा है, वी हैड प्लेड, वी हैड प्लेड मतलब हम खेल चुके थे,
तो हैव ने आपने क्या बताया, प्रेजेंट बताया, और हैड ने क्या बताया, पास बताया, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है पास्ट, यहाँ पे क्या बता रहा है प्रेजेंट और यहाँ पे बता रहा है पास्ट। तो हेल्पिंग वर्ब ने एक काम ले लिया क्या, टाइम बताने का, ठीक है, पहला काम ले लिया टाइम बताने का, और दूसरा काम क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो देखो ही है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया, और ये प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल आया, आर दे के साथ आर आया, ही शी के साथ इज आया, ठीक है, और जैसे यू के साथ प्लूरल आया वर, ठीक है, नहीं तो वाज आता, अगर सिंगुलर होता तो वाज आता, लेकिन ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल आया। ऐसी वी, वी प्लूरल है, तो वी प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया, वो है, और सिंगुलर क्या होता हैज, ही शी के साथ क्या आया हैज। तो दो काम हेल्पिंग वर्ब ने कर लिए, क्या काम, एक तो टाइम का बताने, टाइम बताने का कि प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, और या फ्यूचर में, और दूसरा काम किया गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो फिर मेन वर्ब का क्या काम रह गया, मेन वर्ब के पास दो काम रह गए, परफेक्शन और कंटीन्यूअस बताना, वी थ्री और वी फोर। तो देखो जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मेन वर्ब क्या करेगा, मेन वर्ब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वी फोर कॉन्टिन्यूटी। देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंसेस, लेकिन जो मेन वर्ब है वी फोर वो सेम है। देखो यहाँ पे भी प्लेइंग है, यहाँ पे भी प्लेइंग, और यहाँ पे भी प्लेइंग। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, ये आपका वी थ्री। देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा हैव, हैड, हैज, प्रेजेंट में चेंज हो रहा है, पास्ट में चेंज हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो सेम है, वी थ्री, प्लेट, 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 तीनों जगह पे सेम है। तो अब आते हैं वापस फाइनाइट और इनफाइनाइट पे। तो देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, लिमिटेड है, जो लिमिटेड नंबर में है। जैसे इनफाइनाइट क्या होगा, जो अनलिमिटेड है, एक सेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंस क्या होगा कि वो फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब वो लिमिट है, उसको लिमिट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उसको, मतलब उसे रोक दिया गया, जैसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, लिमिट लगाए थे कि भाई तुझे शाम के इतने बजे तक घर पर वापस आ जाना है, जैसे वहां होते हैं, अगर हॉस्टल में लिमिट्स होती है ना कि इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे, तो वो लिमिट लगा रखे, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोलेबल। तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, कंट्रोलेबल, और इनफाइनाइट का मतलब जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखो जो हेल्पिंग वर्ब है, ये टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट इनको कंट्रोल कर रहा है, टाइम इनको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो मेन वर्ब है वी थ्री और वी फोर, ये देखो ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये सब में सेम है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसको। और ये देखो यहाँ पे वी थ्री, इसको भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ना सब्जेक्ट इसको कंट्रोल कर रहा है, ना टाइम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आपके वी थ्री और वी फोर जो होते हैं ना, मतलब क्वांटिटी और परफेक्शन शो करने वाले वर्ब, वी थ्री एंड वी फोर, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। और जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल हुआ, मतलब उसमें हम लिमिट लगा सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और जिसको लिमिट लगा सकते हैं वो क्या हुआ, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब फाइनाइट। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ये दिखाता हूं, मैंने ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो मेन वर्ब को ही सारे काम करने पड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो मेन वर्ब को ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये जो मेन वर्ब है, ये देखो अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आया वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। और ये आपका क्या है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, और ये ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था। तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट शो कर रहा है, प्रेजेंट, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पास्ट। देखा, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब शो करता है आपका टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन वर्ब है वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और वही आपका टेंस शो कर रहा है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो ये जो है आपका जो ये वाला वर्ब है, मेन वर्ब, ये क्या है, ये वी वन, देखो वी वन और वी टू, ये आपकी वी वन है और ये वी टू है, ठीक है। तो वी वन और वी टू क्या है आपकी, ये फाइनाइट है, ये लिमिटेड है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं या फिर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, लेकिन जो वी थ्री और वी फोर है ये इनफाइनाइट है, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी इतना समझ लो आप, ठीक है। अब हम एक बार दोबारा हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है दो काम में, एक तो वो टाइम बताता है कि ये काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, दूसरा वो बताता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। ये दो काम करता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपके दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो तीन ही होते हैं, बी, डू एंड हैज, इन तीनों की फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, बस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये दो तीन ही होते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडल होता है वो बस हेल्पिंग वर्ब के ही काम करता है, वो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। तो जैसे हैज है,
सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। वी टू आपकी पास्ट फॉर्म हो गई हैड और वी थ्री आपकी परफेक्ट फॉर्म हो गई हैड, ठीक है। इज एम आर ऐसे ही है, वी वन आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो इज ये आपका सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। ऐसी वाज वर ये पास्ट के लिए, और बीन आपका इसके लिए परफेक्ट के लिए वी थ्री। ऐसी डूडस ये मतलब प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट फॉर्म वी थ्री, ठीक है। लेकिन क्या होता है हमारे पास जो ये है ना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की आपकी फॉर्म है वी वन वी टू वी थ्री, डिफरेंट फॉर्म है इनके पास, इनके पास अपनी फॉर्म है। लेकिन जो मॉडल होते हैं उनके पास कोई फॉर्म नहीं है, तो मॉडल के पास कोई फॉर्म नहीं है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होंगे? अगर मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ गया तो मॉडल कैसे चेंज होगा अपने आप में? उसके पास तो ना सिंगुलर फॉर्म है ना प्लूरल फॉर्म है, ना उसके पास मतलब ना उसके पास पास्ट है ना फ्यूचर है, कुछ फॉर्म नहीं है इसके पास। तो इसको सिंपल रखने के लिए क्या किया ग्रामर में कि मॉडल के बाद जो मॉडल है ना इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो वी वन में आएगा, हमेशा वी वन। बस इतना याद रखना, यही बताना था मुझे, बाकी हम मॉडल आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यही कि मॉडल के बाद जब भी वर्ब आएगा वो हमेशा वी वन फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं हम फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब देखते हैं। इनफाइनाइट जो होते हैं टोटल चार टाइप के होते हैं, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब का मीनिंग, हमने समझा कि मतलब कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कंट्रोलेबल होते हैं। कौन कंट्रोल करता है उनको? टेंसेस और सब्जेक्ट, टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं, राइट। लेकिन जो इनफाइनाइट वर्ब होते हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे वी थ्री और वी फोर हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये चेंज नहीं होते हैं, इनसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आता है वही चेंज होता रहता है। इसलिए तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा ताकि हम समझ पाए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो दो काम करता है, दो कामों में मेन वर्ब की मदद करता है, कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होने का काम हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, और दूसरा काम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने का। तो ये दोनों काम किसने ले लिए? ये दोनों काम आपके हेल्पिंग वर्ब ने ले लिए। तो इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जिन पे नो अफेक्ट ऑफ टाइम एंड सब्जेक्ट, जिन पे टाइम और अफेक्ट का, टाइम और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि टाइम और सब्जेक्ट के जो असर होना था वो आपके हेल्पिंग वर्ब ने ले लिया। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वी थ्री और वी फोर आते हैं, तो वी थ्री पे कोई असर नहीं होता, वी फोर पे भी कोई असर नहीं होता, इसलिए ये इनफाइनाइट वर्ब है वी थ्री एंड वी फोर। अब देखो जब वी फोर ना वी वन प्लस आई एन जी, वी फोर ये इनफाइनाइट वर्ब है, जब ये आपका नाउन की तरह काम करेगा तो इसे बोलेंगे जीरेंड, और जब ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसे ही जब वी थ्री आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और ऐसे ही जब टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन आपका इसकी तरह काम करेगा नाउन की तरह, तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव है और वो इनफाइनाइट है, दो डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो इनफाइनाइट वर्ब होते हैं वो चार कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है, जीरेंड, ठीक है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब चार कैटेगरी में डिवाइड है, जीरेंड, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। देखो अगर वर्ब नाउन की तरह काम करेगा तब तो होगा जीरेंड और इन्फिनिटिव, वी वन प्लस आई एन जी जीरेंड, टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव। लेकिन अगर वर्ब अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, वी थ्री एंड वी फोर, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसको और अच्छे समझते हैं हम इसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे समझते हैं। देखो कुकिंग इज माई हॉबी, मैं पूछूंगा वॉट इज माई हॉबी, तो ये वॉट आंसर दे रहा है, यानी सब्जेक्ट हो गया। अब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ये क्या है वी वन प्लस आई एन जी, तो ये क्या हुआ जीरेंड। जीरेंड क्या होते हैं? वर्ब एज नाउन, जो वर्ब है लेकिन नाउन की तरह काम कर रहा है, वी वन प्लस आई एन जी नाउन की तरह काम कर रहा है, ये क्या हो गया आपका जीरेंड, ठीक है। अब देखो आई लव कुकिंग, आई लव वॉट, ये वॉट का आंसर दे रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, तो ये वर्ब नाउन कर रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जीरेंड। अभी देखो ही इज कुकिंग डिलीशियस फूड, ही इज कुकिंग डिलीशियस फूड, यहाँ पे क्या है वो डिलीशियस फूड बना रही है, तो ये तो वर्ब ही है, ठीक है, ये वर्ब ही है वी थ्री, ये एज ए वर्ब काम कर रहा है, सॉरी वी फोर, ये वी फोर है एज ए वर्ब काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब वी फोर एज ए नाउन काम करता है तो वो जीरेंड हो गया ये, ठीक है। अब देखो रवि कुक्स रियली वेल, तो ये क्या है, ये भी आपका वर्ब हो गया, ठीक है, ये भी वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया, ये कौन सा वर्ब है, ये वी वन है और ये आपका वी फोर है, ठीक है। अब देखो शी लव्स टू कुक, शी लव्स टू कुक, शी लव्स वॉट, ये किस का आंसर दे रहा है आपको, वॉट का आंसर दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी नाउन है आपका। अब देखो टू प्लस वर्ब, टू प्लस वी वन,
टू प्लस वी वन ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी क्या ये इन्फिनिटिव है, ये आपका क्या हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ठीक है। देखो वी ईट कुक्ड फूड, वी ईट कुक्ड फूड, हम कैसा खाना खाते हैं, वी ईट ईट वॉट, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, और इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा खाना, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, तो ये कुक्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब देखो v3 कुक्ड, v3 अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन v3 क्या है, v3 तो वर्ब है, ये किसकी, v3 किसकी तरह वर्ब है, लेकिन वर्ब है लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, तो इसे क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ठीक है। अब देखो देखो कुकिंग प्रोसेस टेक्स टाइम, इट टीचेस पेशेंस, मतलब जो कुकिंग प्रोसेस है वो टाइम लेता है और वो हमें धैर्य रखना सिखाता है ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब तो आपका टेक्स हो गया, टेक्स, टेक में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया ठीक है, ये वर्ब हो गया आपका, टेक्स व्हाट, टेक्स टाइम, तो टाइम क्या होगा आपका, व्हाट का आंसर देना, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कुकिंग और प्रोसेस में से सब्जेक्ट कौन सा है, लेट अगर हम इस कुकिंग को सब्जेक्ट मान लेते हैं ठीक है, तो यानी ये एक जीरेंड हो गया, जो मतलब कि वर्ब है लेकिन काम कर रहा है नाउन की तरह, तो ये अगर हमने इसको सब्जेक्ट मान लिया तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस भी एक नाउन है और दो नाउन एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो प्रोसेस एडजेक्टिव हो सकता है क्या, मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा नाउन से पहले आएगा, कभी भी नाउन के बाद में नहीं आता, हमेशा नाउन से पहले आता है, तो ये एडजेक्टिव हो नहीं सकता और दो नाउन एक साथ आ नहीं सकते, तो यानी ये आपका क्या है, ये आपका जीरेंड नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्रोसेस। अगर प्रोसेस सब्जेक्ट है, प्रोसेस टेक्स टाइम, अगर जैसे मैं बोलूं प्रोसेस टेक्स टाइम, तो कौन सा प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस, तो कुकिंग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। जैसे होता है ना, जैसे मान लो इसको देखो, ब्लैक बॉल, या फिर आप देखो टॉल, टॉल गर्ल, टॉल गर्ल या फिर ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ भी ले लो, तो यहां पे कुकिंग प्रोसेस, ये कुकिंग इसके लिए आया है, कुकिंग एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव एडजेक्टिव, और ये आपका नाउन और नाउन ठीक है। ऐसे देखो जैसे कुकिंग प्रोसेस है ना, जैसे होता है रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, तो हॉर्स तो आपका नाउन हो गया और रनिंग मतलब भाग रहा है, वो बता रहा है भागता हुआ घोड़ा, तो भागता हुआ क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। जैसे रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, तो ये रनिंग क्या हो गया उसमें आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, तो फ्लाइंग क्या हो गया आपका, ये बता रहा है ये एडजेक्टिव है, ये इस वर्ड की विशेषता बता रही है कि बर्ड बता रहा है कि वो बर्ड जो है वो उड़ती हुई बर्ड है, उड़ती हुई चिड़िया, तो ये फ्लाइंग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। और जैसे ये ले लो आप बॉइलिंग वाटर या एग, मतलब उबलता हुआ पानी या उबलता हुआ अंडा, तो ये बॉइलिंग क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव है। वैसे ये जो कुकिंग है ना, इसमें ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो जब ये है तो v4, जब v4 मतलब वर्ब, एक वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ठीक है। तो देखो जो कुकिंग है ना हमारा वर्ब, ये कभी आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे भी नाउन की, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये जीरेंड हो गया, यहाँ पे भी नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये जीरेंड हो गया, यहाँ पे एज ए वर्ब ही काम कर रहा है ठीक है, ये क्वांटिटी शो कर रहा है, अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो क्वांटिटी शो करेगा, यहाँ पे भी ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये प्रेजेंट बता रहा है, रवि कुक्स रियली वेल ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुक जो है, ये 2+v1 ये इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है ठीक है, एक ही वर्ड है कुक, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहा है, कहीं पे वर्ब की तरह काम करता है, कहीं पे वो नाउन की तरह काम करता है, वर्ब एज ए नाउन जीरेंड, या फिर वर्ब एज ए नाउन क्या होता है इन्फिनिटिव ठीक है। और कहीं पे ये जो कुक्ड है, कुक्ड किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्ट की तरह कुक्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये कुकिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब v3 आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करेगी उसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और जब v4 आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक है। अब देखो सेम ऐसी सेम ये जो है ना ऐसी एज इट इज मतलब कंपेयर करते हुए मतलब सेम मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे सेम एग्जांपल ये है, सेम एग्जांपल ये है, सेम सेकंड देखो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट इज इंजूरियस, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है नाउन ठीक है, तो ये वर्ब है लेकिन वर्ब एज ए नाउन काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया जीरेंड हो गया आपका ठीक है। शी हेट्स व्हाट,
ये वॉट का आंसर दे रहा है क्या, स्मोकिंग, तो ये भी आपका क्या हो गया, जीरेंट। ठीक है, जीरेंट क्या होता है, जो वर्ब है लेकिन काम कर रहा है वो नाउन की तरह, तो ये आपका हो गया। देखो ही इज स्मोकिंग, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी लास्ट में देखेंगे। देखो ईशान स्मोक्स अलॉट, तो ये स्मोक क्या, ये आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये बता रहा है कि ईशान बहुत ज्यादा स्मोक करता है। दे हेट टू स्मोक, दे हेट टू स्मोक, दे हेट वॉट, अगर मैं बोलूं देखो शी लव वॉट टू कुक, उसे खाना बनाना पसंद है। दे हेट, वो नफरत करते क्या, स्मोक करने से, टू स्मोक। तो ये क्या हो गया आपका, ये इंफिनिटिव हो गया, जो वर्ब एज ए नाउन काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, वर्ब एज ए नाउन दो चीज होती है, या तो जीरेंड या फिर इंफिनिटिव। तो अगर वर्ब एज ए नाउन है तो वो तो जीरेंड हो गया, और यहां पे देखो वर्ब एज ए नाउन ये इंफिनिटिव हो गया। ठीक है, तो टू स्मोक, टू प्लस वी वन इंफिनिटिव होता है, हमें ये याद करना। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं, स्मोक फिश इज द फिश दैट हैज बीन कुक्ड बाय स्मोकिंग, मतलब स्मोक फिश होती है, उसमें क्या होता है ना, नीचे जो होता है आपका आग लग रही होती है, उसमें से धुआं निकलता है और धुएं से ऊपर मछली पकती है, तो धुएं का फ्लेवर आता है उसमें, तो उसे कहते हैं स्मोक्ड फिश। तो कैसी फिश, स्मोक्ड फिश। ठीक है, तो स्मोक्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ये बता रहा है नाउन की विशेषता की कैसी फिश है वो स्मोक फिश है। ठीक है, ऐसे देखो, स्मोकिंग गन इज द एविडेंस ऑफ ए क्राइम, मतलब जो वो बंदूक होती है ना, इसमें धुआं निकल रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट अभी अभी गोली चली है तभी उसमें से धुआं निकलता है, तो बता रहे स्मोकिंग गन जिसमें से धुआं निकल रहा है इज द एविडेंस ऑफ ए क्राइम। तो कैसी गन, ये स्मोकिंग क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि जो गन है आपका सब्जेक्ट, ये कैसी गन है, ये स्मोकिंग मतलब धुआं निकलती है, तो ये क्या एडजेक्टिव हो गया, कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये है तो आपका वर्ब, लेकिन वर्ब एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, और वो भी कौन सा, वी वन प्लस आई एन जी, अगर वी वन प्लस आई एन जी है तो वी फोर हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर ये होगा वी थ्री होगा तो ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ये वाला मैंने छोड़ दिया था ना, ही इज स्मोकिंग, अब ये देखो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया आपका वर्ब, अब ये स्मोकिंग जो है ना, ये स्मोकिंग क्या है, ये वर्ब है या फिर जीरेंड है, जैसे इसको कंपेयर करो तुम इससे, आई लव वॉट कुकिंग, तो कुकिंग आपका क्या था, यहां पर जीरेंड था, ये वॉट का आंसर दे रहा था और लव वर्ब हो गया, तो ही इज स्मोकिंग, तो ये स्मोकिंग क्या वर्ब है या फिर जीरेंड है। जैसे ये देखो, ही इज कुकिंग, कुकिंग तो आपका वर्ब है, ये कुकिंग आपका जीरेंड है, तो हमें देखना ये स्मोकिंग वर्ब है या जीरेंड है। देखो अगर ये जीरेंड है ना, तो यानी क्या है, अगर मान लेते हैं हम इसे जीरेंड है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जीरेंड है। ठीक है, अगर ये जीरेंड है तो मतलब ये नाउन है, नाउन है तो मतलब ये ही इज वॉट, तो ये इसका आंसर दे रहा है, यानी इसका आंसर दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बताओ मुझे, इस जो होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है, राइट, हमने पहले पढ़ा था इससे पहले, इस क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, क्या लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, नहीं लेता, क्या लेता है लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं लेता, वो क्या लेता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है, हमने पहले पढ़ा था ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, और मैंने क्या बताया था, लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, आपको लिंकिंग वर्ब पहचानना है, तो आप इसको काट दो और उसके आगे इक्वल टू लिख दो, जैसे जैसे मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल और मैं वहां से इसको हटा दूं, शी इज ब्यूटीफुल और मैं इसको हटा दूं, तो शी इक्वल टू ब्यूटीफुल, मतलब वो खूबसूरत है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो मैं इसको हटा दूं तो ही इक्वल टू डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे, ये लिंकिंग वर्ब है, अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे इक्वल टू कर दूं, तो ही इक्वल टू स्मोकिंग, क्या वो स्मोकिंग है, मतलब क्या वो, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हो ना, तुम कहने का मतलब कि वो स्मोकिंग नहीं है, अगर मैं बोलूं वो ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटीफुल है, वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको, ही इज ए डॉक्टर, ही इक्वल टू डॉक्टर, वो डॉक्टर है, लेकिन क्या वो स्मोकिंग है, नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी जीरेंड नहीं है, तो ये क्या है आपका, ये एक्चुअली में वर्ब है जो बता रहा है कि ये कौन सा वर्ब है, कंटिन्यूअस वर्ब, ये वाला वर्ब है, देखो ही इज कुकिंग डिलीशियस फूड, यहाँ पे हमने बता दिया आगे कि वो क्या बना रही है, डिलीशियस फूड बना रही है, लेकिन अगर मैं बोलूं स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, तो क्या होता है ना, जनरली जो मतलब बंदा पहले से जानता है कि वो स्मोकिंग क्या कर रहा होगा, स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग, नॉर्मली सिगरेट स्मोकिंग की बात होती है, जैसे ये ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हमने बताया नहीं कौन सी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या फिर बीड़ी स्मोकिंग या फिर वो सिगार या फिर वीड, हमने बताया नहीं किसकी स्मोकिंग, हम जो कॉमन ले लेते हैं स्मोकिंग, मतलब हम बताए थे स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग की बात हो रही है, ऐसे यहाँ पे हमारा जो है ना अंदर से मतलब सेंस है इसका कि मतलब ही इज स्मोकिंग सिगरेट, वो सिगरेट फूक रहा है वही, तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, इतनी बात समझ में आई।
देखो अब क्या हमने चार चीज पढ़ ली कि नाउन जो वर्ब है जब नाउन की तरह काम करता है तो उसे जीरेंट कहते हैं और इंफिनिटिव कहते हैं, और दूसरा जो वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। दो टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल बहुत आसान होता है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, वी थ्री और वी फोर। जैसे देखो मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जैसे ये ना टॉल गर्ल हो गया, और या फिर टॉल को ले लो या फिर ले लो वही ब्यूटीफुल ले लो, इसको यार ब्यूटीफुल ले लो बी ए, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ब्यूटीफुल टॉल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, ये क्या बता रहा है, ये इसके एडजेक्टिव है गर्ल के। ऐसी ब्लैक बॉल, ब्लैक का क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो कुकिंग क्या है, तो ये जो कुकिंग क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रनिंग हॉर्स, कैसा हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, ठीक है। ऐसी मूविंग कार, कैसी कार, चलती हुई गाड़ी, मतलब जो चल रही है इस समय। फ्लाइंग बर्ड, कैसी बर्ड, उड़ती हुई बर्ड। तो ये क्या है, सबके सब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। जैसे रेड कार है ना, इस रेड कार को इस मूविंग कार से कंपेयर करो तो कार तो आपको कार जैसे ही मिल गया, ठीक है, ये नाउन है ये भी नाउन है। अब मूविंग को रेड से कंपेयर करो तो रेड क्या था यहाँ पे, एडजेक्टिव, तो मूविंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ऐसे ये सब एडजेक्टिव है। जैसे बॉइलिंग एग, कैसा अंडा, उबला हुआ अंडा। राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। डेवलपिंग कंट्री, मतलब जो विकासशील कंट्री है। तो ये क्या बता रहे हैं सर, ये वी वन प्लस आई एन जी, ये वी फोर, ये क्या बता रहा है आपका, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्ब एज ए एडजेक्टिव। अब इधर देखो सेम ऐसे ही, जैसे हमने पढ़ा ना ब्यूटीफुल टॉल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, ये सब क्या है, ये आपके एडजेक्टिव है। अब देखो बॉइल्ड एग, जैसे यहाँ पे बॉइलिंग एग था, यहाँ पे बॉइल्ड एग है। ये बॉइल क्या बता रहा है, ये बता रहा है एग की विशेषता कि वो उबला हुआ अंडा है, उबल चुका है। तो ये दो अलग अलग चीजें है। देखा यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल। ये इजिली है, मतलब इजी से हमें इजिली समझ आ जाते हैं कि ये यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे राइजिंग सन, यहाँ पे था क्या, राइजिंग सन, राइजिंग मतलब उगता हुआ सूरज, और राइजिंग मतलब जो पूरा अच्छे से उग चुका है वाला सूरज। डेवलपिंग कंट्री, विकासशील, और ये डेवलप कंट्री, ये डेवलप क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। डेवलप मतलब विकसित, जो पूरा विकसित हो चुका है, जैसे चाइना और अमेरिका, ये डेवलप कंट्री हो गए, ठीक है। तो ये हमने पार्टिसिपल पढ़ा। तो जो पार्टिसिपल होता है वो तो आसान होता है, हमने देखा, देखो पार्टिसिपल कितना आसान है यहाँ पे फाइंड करना। जैसे रनिंग हॉर्स है मतलब भागता हुआ घोड़ा, तो ये बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे में बोलो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब चलता हुआ बहता हुआ पानी, तो वो क्या बता रहा है, विशेषता, ये विशेषता बताते हैं, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं जितने भी पार्टिसिपल होते हैं। तो वी वन, वी थ्री और वी फोर जब एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो उनको पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये हमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि मतलब कौन सा पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो पार्टिसिपल तो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसमें जीरेंड और इन्फिनिटिव में, मतलब कहाँ पे हमने जीरेंड यूज करना है और कहाँ पे हमने इन्फिनिटिव यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना पसंद है, और ये देखो शी लव्स टू कुक, उसे खाना बनाना पसंद है। ये भी वही चीज बता रहा है, ये भी वही चीज बता रहा है, जीरेंड भी वही बता रहा है, इन्फिनेटिव भी वही बता रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे हम जीरेंड यूज करें और कहाँ पे हम इन्फिनेटिव यूज करें, ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं हमें थोड़ी देर में।